गांव की मिट्टी से हल चलाने वाले हाथों से लेकर गलियों में स्वच्छता में सहयोग देने वाले सफाई कर्मचारी अब फ्री इंटरनेट से आधुनिक हो रहे हैं। सोनीपत की ग्राम पंचायत द्वारा गांव हरू में मॉडर्न तकनीकी की मदद से गांव को 100% वाईफाई से जोड़ा गया है, जो अब गांव में युवा बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा समेत अलग अलग क्षेत्र में पढ़ाई कर उनके उज्जवल भविष्य में कारगर साबित होगा। गांव में काफी गरीब बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई बिना ट्यूशन के करते हैं, और ऐसे बच्चों के लिए वाईफाई इंटरनेट संजीवनी बूटी साबित होगा। प्रत्येक घर में इंटरनेट की सेवा मुफ्त में पहुँचने से देश विदेश की जानकारी और आधुनिकता के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं आधुनिक शिक्षा नीति और उसके बदलाव और उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी भी ऑनलाइन माध्यम से पता कर फायदा उठा पाएंगे। गांव में उन गरीब परिवारों के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा जो हर महीने अपना इंटरनेट का मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पाते थे और जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। लेकिन गाँव ठरू की सरपंच सरोज बाला की अध्यक्षता में पंचायत ने वाईफाई फ्री किया। इनसे शिक्षा मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। महिला सरपंच के बेटे के मुताबिक गांव को 24 घंटे फ्री इंटरनेट वाईफाई के माध्यम से दिया जा रहा है और गांव में अच्छे स्तर पर लाइब्रेरी भी तैयार की जा रही है जिसमें भी वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। मेरा नाम अमन है, मैं हरियाणा में पहला गांव ऐसा जो ठरू है जिसमें बहुत ही अच्छा किया जो वाईफाई की सुविधा की है और ये हर गाँव में भी होना चाहिए। और वाईफाई की सुविधा बहुत अच्छी है जो ये हुई है और हर तरीके बच्चे जो गरीब घर के से बिलोंग करते हैं जो रिचार्ज नहीं कर पाते थे उन के लिए भी बहुत अच्छा है जो ये घर बैठे वो हर तरीके के नेट का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे महिलाएं होगी खाना बनाना सीख सकती हैं और जो बच्चे हैं वो भी सब कुछ कर सकते हैं। बात करें पढ़ाई में किस प्रकार से कारगर रहने वाली है? पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और एग्जाम की तैयारी भी घर पे कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उनको जो गांव में वाईफाई लगा है इसके। वहीं ग्रामीण महिला और बुजुर्गों ने ग्राम पंचायत की फ्री वाईफाई योजना को बेहद सराहा है। ग्रामीण महिलाओं ने यह भी बताया कि फ्री इंटरनेट की सेवा मिलने से घरेलू महिलाएं पाक कला और सिलाई कढ़ाई के नए नए डिजाइन और बनाने के तौर तरीकों को सीख पाएंगी। ये मैं बहुत ही सराहनीय कार्य मानती हूँ और ग्राम पंचायत थ्रू का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बल्कि हार्दिक अभिनंदन करूँगी, क्योंकि इससे जो ग्रामीण बच्चे हैं नेट रिचार्ज नहीं कर पाते या सुविधा जिनको नहीं मिल पाती उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। इससे बच्चे अपनी पढ़ाई, खासकर लड़कियाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी और बहुत अच्छी इसमें मदद मिलेगी। घरेलू महिलाएं हैं जो यूट्यूब वगैरह से सिलाई या भी पाक कला सीखना चाहती हैं वो भी इसमें बहुत मददगार होगा ये वाईफाई, और वो इससे अपनी वो कर सकती हैं। हरियाणा में पहला ऐसा गांव है जो इस प्रकार से, इस बात से हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा में हमारा ये गांव सबसे पहले ये सुविधा प्राप्त किया है। मैम, खास तौर पे जैसे बेटियां जो हैं बाहर नहीं जा पाती या बहुत सारे गरीब परिवार, ये बहुत बहुत उपयोगी है और बेटियां की तरफ से भी साधुवाद है ग्राम पंचायत उनके लिए बहुत उपयोगी है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया बनाने के सपने को साकार करने के लिए सोनीपत के गांव ठरू की पंचायत ने सकारात्मक कदम उठाया है। गांव ठरू हरियाणा का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां ग्राम पंचायत ने पूरे गांव को वाईफाई फ्री किया है, जिसके बाद गांव में खुशी की लहर है। ऐसे में गाँव की बहन बेटियां ऑनलाइन के माध्यम से अपने फॉर्म भरने से लेकर अपनी पढ़ाई को सुचारू करने में मददगार साबित होगा, ताकि युवा पीढ़ी अपने भविष्य में निर्माण के लिए अच्छी पुस्तकों का ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कर कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर सके। आज बिजली के बिल और अन्य प्रकार के बिल भरने को लेकर भी ऑनलाइन माध्यम की जरूरत रहती है और ये सरकार के डिजिटलाइजेशन को पंख लगाने में बेहतरीन कदम माना जा रहा है। सत्य खबर के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।